मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आरे में मेट्रो कार सेट के लिए पेड़ों पर प्रहार कर काट दिया गया था, मगर अब नई सरकार ने मेट्रो कार सेट का काम रोक दिया तो सवाल उठने लगे कि विकास का काम रोक दिया गया है। मगर सरकार का कहना है कि कोई भी विकास का काम नहीं रोका गया है, मेट्रो का काम चल रहा है। ऐसे में नई सरकार में अब कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि पिछली सरकार ने पेड़ों को काटकर कारशेड बनाने का फैसला लिया था, मगर सरकार बदलने के बाद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार ने पहला काम आरे की मेट्रो कारशेड का काम रोका है। वहीं एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने पेड़ों की कटाई के खिलाफ कहा है कि प्रदर्शनकारियों पर जो केस दर्ज किए गए हैं उन केस को वापस लेना चाहिए। पिछली सरकार ने आरे में पेड़ों को काटकर कारशेड बनाने का निर्णय लिया था। मुंबई में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, मुकदमे दर्ज किए गए और सरकार बदलने के बाद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार ने पहला निर्णय लिया कि आरे के कारशेड के काम को स्टे देने का काम किया। विपक्ष में बैठे हुए लोग बोल रहे थे कि विकास के काम को रोका गया है, मेट्रो के काम को रोका नहीं गया। सवाल ये था कि कारशेड कहाँ बनाया जाए, जो कारशेड के लिए लगभग 60 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है, उस ज़मीन पे परेड ग्राउंड पे सिर्फ मुंबई में शादियों के सिवा और कुछ नहीं होता। हमने विधानसभा में भी सुझाव दिया है कि इसका इस्तेमाल करके कारशेड बनाया जाए। जब आरे में पेड़ काटे जा रहे थे तो सुबह सुबह बम्बई के कुछ कॉलेज के विद्यार्थी वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने विरोध किया, तब पुलिस ने उनको उठा करके पुलिस स्टेशन लेके गए, उनके ऊपर गुनाह दर्ज हो गया और बाद में उनको जेल में भेजा गया। जेल में रहना मानसिक संतुलन बिगाड़ देता है कि पिछले सरकार ने जो बेरहमी से काम किया था, उन बच्चों का उन बच्चों की पूरी जिंदगी खत्म करने का जो उनका रवैया था उसको भूल करके सरकार ने एक अच्छा काम कर देना चाहिए। जो भी गुनाह दर्ज हुए हैं उसको तुरंत पीछे लेने चाहिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।